हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। जंपिंग राइट इनटू आवर लेसन दिस टाइम, आज का लेसन बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम रस इस टर्म को समझने वाले हैं। कई बार इस शब्द का उपयोग बहुत ही कैजुअली हम कर देते हैं, लेकिन अगर असलियत में इसे समझा जाए तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के अनुसार इसका मतलब है एस्थेटिक रेलिश। आसान शब्दों में, जब किसी कला के द्वारा आप आनंद महसूस करते हैं तब उसे कहते हैं रसानुभूति, रस की अनुभूति, अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस। क्योंकि आप इस टर्म को पहली बार समझ रहे हैं, इसीलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल रखना चाहूँगी। रस कब महसूस होता है? तो जब एक रूट इमोशन, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं स्थाई भाव, वो जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, यानी कि अपनी एक्सट्रीमिटी पे पहुंचता है, पीक करता है, तब जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हमें मिलता है, सुखदायक अनुभव, उसे हम कहते हैं रस की अनुभूति या प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। गौर करने वाली बात ये है कि उसका जो रूट इमोशन है, जिसे हम कह रहे हैं स्थाई भाव, वो हमेशा पॉजिटिव या हैप्पी होना ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हॉरर मूवीज़ का, ठीक है? तो उसका रूट इमोशन क्या है? डर, भय, करेक्ट? जब वो अपनी एक्सट्रीमिटी पे इन जनरल पहुँचेगा तो वो एक्सपीरियंस तो आपके लिए बहुत ही भयानक रहेगा, है ना? जब आप पीक इमोशन फील करते हैं, महसूस करते हैं डर या भय का, लेकिन क्योंकि एक मूवी के थ्रू वो पीक हो रहा है, यानी कि एक कला के द्वारा उस एक्सट्रीमिटी पे पहुंचता है, इसीलिए जो आपके अंदर बचता है वो है सिर्फ एस्थेटिक रेलिश। इसीलिए आप वो मूवी देखकर एंटरटेन होते हैं, आप उसे एंजॉय करते हैं, है ना? तो कुछ वैसा ही सिस्टम लागू होता है डार्क सिनेमा पे भी, जो थोड़े डार्कर थीम्स जो है वो एक्सप्लोर करता है। उसका रूट इमोशन चाहे नेगेटिव हो, लेकिन जो एंड रिजल्ट है जो हमें बच जाता है वो काफ़ी प्लेजरेबल होता है, उसे हम कहते हैं रस। अब चलिए शॉर्ट में देखते हैं 9 रसों को। हर रस के रूट इमोशन से या स्थाई भाव से भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले आता है श्रृंगार, जिसका रूट इमोशन है रति, यानी कि रोमांटिक और पैशनेट लव। लव के बहुत सारे शेड्स हैं, वो माँ का प्यार भी हो सकता है, देश प्रेम भी हो सकता है ना? लेकिन जो रोमांटिक काइंड ऑफ लव है उसे कहा जाता है श्रृंगार। इस रस को रसों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये जो रस है, सबसे पहले तो वो बहुत आसानी से कनेक्ट कर जाता है ऑडियंस के साथ, और हम भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आर्ट को एंजॉय करते हैं जिसमें रोमांस हो, इसीलिए शायद रोमांटिक मूवीज़ इतनी चलती है। फिर आता है हास्य रस, हास्य, लाफ्टर, जिसका स्थाई भाव है हास्य, मर्थ, या आसान शब्दों में आनंद। जब शोक यानी कि सॉरो या ग्रीफ, ये इमोशंस जब पीक करते हैं तब बनता है करुण रस। और उसी तरह से जब क्रोध यानी कि एंगर, गुस्सा, वो जब अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तब पैदा होता है रौद्र रस। फिर आता है वीर रस यानी कि हीरोइज्म, उसका जो रूट इमोशन है वो है उत्साह। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था वैसे आता है भयानक रस, जिसका रूट इमोशन है भय, फियर, डर, जुगुप्सा या डिस्कस्ट, इस स्थाई भाव से पैदा होता है विभत्स रस। और विस्मय यानी कि एस्टोनिशमेंट, वंडरमेंट, सरप्राइज, इससे पैदा होता है अद्भुत रस, जब वो अपने पीक पे होता है। फिर आता है हमारा 9th और आखिरी रस, शांत रस, जो शम यानी कि कामनेस, स्टेबिलिटी से पैदा होता है। और ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रस और उसकी थ्योरी की बहुत 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 बड़ी दुनिया से।
इसकी प्रोसेस उतनी आसान नहीं है और बहुत सारे डिटेल्स हैं जो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप कला में, आर्ट में कोई क्रिएशन करना चाहते हैं। तो ये सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के सारे ट्यूटोरियल्स को और क्लासेस को फॉलो कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर ज़रूर मिलूँगी। अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही कई सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।